चेहरे पे गौर मत करना, थक गया हूँ लेकिन नज़ारों को देख के एकदम रिफ्रेश हो गया हूँ, रिकवर हो गया। एक सवाल है आप सबके लिए, इतनी ऊपर आके भी सूरज हो जाता है पास, फिर भी यहाँ पे ठंड क्यों लगती है? मुझे बताना अगर पता लगे तो। नीचे गाड़ियाँ देखिए कैसे आ रही हैं लाइन से। प्यार हो जाएगा यार सच में। सी, मुझे तो इस नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। भगवान ने कितनी खूबसूरत की जगह बनाई है, ये पहाड़, नदी, गॉड, ये आसमान, सब कुछ कितना परफेक्ट है यार। मेरे तो कैमरे ने भी हाथ जोड़ लिए कि भाई मैं तो इतनी ब्यूटीफुल चीज़ को परफेक्टली कर कैप्चर नहीं कर पाऊँगा सच में। आप ढलान देखो यार, और ये इतनी भारी गाड़ी है, मैं इसको कैसे हैंडल करके लेके जा रहा हूँ, मैं क्या बताऊँगा आपको। यहाँ पे थोड़ा खतरा है भाई, आराम से, पानी बहुत तेज बह रहा है। और वो देखो, वो रहा मेन, यहाँ से आ रहा है, ये सीटिंग है, मेरे तो पैर जाम हो गए हैं भाई लिटरली, सच बताऊँ। लेकिन यहाँ पे मैं बैठूँगा जरूर, और यहाँ पे मैं खाना ज़रूर खाऊँगा भाई। मैंने एक मैगी ऑर्डर करी है, यहाँ बैठ के खाने का मज़ा ही अलग है। ऑसम, तो आप भी आ सकते हैं, यहाँ पे सिटिंग्स हैं और ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं। गाइज, बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला सच में। तो आज मैं आपको मसूरी का डिटेल टूर देने वाला हूँ, और ये उत्तराखंड टूर का तीसरा पार्ट है। इस जर्नी के फर्स्ट पार्ट में मैंने हरिद्वार से नीलकंठ की यात्रा की है। यात्रा की सारी जरूरी जानकारी वीडियो में बताई गई है, तो आने से पहले वीडियो जरूर देखें। और अगर आपका कुछ तूफानी करने का इरादा है तो ऋषिकेश आइए, क्योंकि एडवेंचर का दूसरा नाम ही ऋषिकेश है। इस जर्नी के पार्ट टू में मैंने ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला, मैरिन ड्राइव से शिवपुरी की रिवर राफ्टिंग की पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो आने से पहले उसको भी जरूर देखें। आई एम श्योर ये नॉलेज आपके प्लान में आपको काफी हेल्प करने वाली है। तो चलिए सफर चालू करते हैं, इस जर्नी का पार्ट थ्री। राम झूला चोटी वाला व्यू, ऑसम। घाट भी काफी अच्छा है, यहाँ पे सब डुबकी लगा रहे हैं और यहाँ से राफ्टिंग भी होती है। अपना सेफ रूट यही है, और सेफ्टी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है हमारी, तो सेफ्टी के साथ हम जा रहे हैं अभी परफेक्टली ऋषिकेश से होते हुए। और रोड काफ़ी साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल जैसे कि रोज, मतलब अभी एक घंटे पहले झाड़ू लगाई हो, इतना साफ़ सुथरा है, फर्स्ट क्लास। बहुत ही अच्छा सफ़र, मज़ा आ रहा है। तो अब आप लोगों का सबसे मेन सवाल ये होगा कि मसूरी पहुंचे कैसे, तो मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन ईजी तरीके बताने वाला हूँ यहाँ पे पहुँचने के, और दिखाने वाला हूँ मसूरी की वादियाँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला उन लोगों के लिए है जो दूर स्टेट से आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हर जगह से डायरेक्ट ट्रेन और डायरेक्ट फ्लाइट देहरादून से कनेक्टेड है, तो सबसे पहले आपको देहरादून पहुंचना होगा। देहरादून एयरपोर्ट से मसूरी 58 किलोमीटर है, बाकी देहरादून रेलवे स्टेशन से मसूरी 38 किलोमीटर है। आपको इजिली यहाँ से बस और टैक्सी दोनों मिल जाएंगी। दूसरे रास्ते के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना होगा, और हरिद्वार से आपको डायरेक्ट बस मसूरी की मिल जाएगी। क्रूजर बसेस का किराया 400 से 700 रुपए के बीच में आपको देना होगा, जो उनके एसी और नॉन एसी फैसिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंचने के बाद आप वहां के लोकल ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल कर सकते हैं और वहां की खूबसूरत वादियों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तीसरा रास्ता उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ पे अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं, तो वो लोग मेरा सेफ एंड सिक्योर रोड मैप फॉलो कर सकते हैं। देखो 40-50 चला रहा हूँ मैं भी, ज़्यादा स्पीड नहीं है, और आराम से इन्वायरमेंट का मज़ा लेता हुआ जा रहा हूँ। हल्के हल्के पहाड़ वहाँ से दिख रहे हैं धुंधले, तो भूख लगी गाइस बहुत भयंकर वाली। तो अभी मैं देहरादून रोड पे हूँ, देहरादून बस पहुँचने वाला हूँ थोड़ी देर में। ये अंकल जी का ढाबा है सामने, यहाँ से रेडी करवा रहा हूँ अपना खाना। तो ये भाई अपना, इसमें चावल है, रोटी है, ये एक पूरी थाली इन्होंने बना दी है, बहुत ही बढ़िया। सिटी काफ़ी ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छी है। देहरादून है 9 किलोमीटर। ओए होए, हवाई जहाज, क्या बात है, एयरलाइंस बहुत ही बढ़िया यार, पूरा एयरलाइंस खड़ा कर रखा है इन्होंने यार, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो हम देहरादून पहुंच चुके हैं, और घर देखो यार, क्या मतलब फर्स्ट क्लास। यहाँ पे ताजगी यार बहुत अच्छी खासी लग रही है मेरे को यार। तो काफ़ी सिटीज़ में भी ऐसे घर होते हैं, लेकिन यहाँ पे हवा ही अलग है, हवा में ही मतलब वो ताजगी है जो पहाड़ों में होती है बेसिकली। बहुत औसम यार, जो लोग यहाँ रहते हैं काफ़ी लक्की हैं और जो दूर से आ रहे हैं वो भी काफ़ी लक्की हैं, तो आप सब आ सकते हैं। ये वापस देहरादून की जगह दिल्ली तो नहीं आ गया मैं? सेम जाम, सेम गाड़ियाँ, भीड़ लगी बड़ी इधर। अब यहाँ से चढ़ाई हो गई है चालू, यहाँ बैंड बड़े खतरनाक हैं, तो यहाँ पे सेफली ड्राइव करना चाहिए। उत्तराखंड त्रिशूल है, अभी हम इस तरफ हैं,
इस तरफ इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो मैं चंपा वाले रास्ते से इसलिए नहीं आया क्योंकि वो और ज़्यादा खतरनाक था, ये भी है खतरनाक। और ये कौन सा मंदिर आ गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, प्रकाशवेश्वर महादेव मंदिर, वाह जय महादेव, बहुत अच्छा मंदिर है। ओहो साक्या कॉलेज, बहुत बढ़िया यार साक्या कॉलेज, बहुत अच्छा लगा साक्या कॉलेज। बुद्धिस्ट जा रहे हैं, जय बुद्धा। जो बुद्ध के भिक्षुक होते हैं उनको बोलते हैं भंते, भंते मतलब उनके शिष्य या भक्त। जाइए आराम से जाइए भाई, बस वाले अंकल आराम से जाओ, आप टेंशन नहीं है, आप भी निकलो भाई आराम से जाओ, हम आराम से आएंगे, टेंशन नहीं है, बीस्ट की स्पीड में लेकिन सेफ जाएंगे। आखिर मसूरी को क्वीन ऑफ हिल्स या पहाड़ों की रानी क्यों कहते हैं लोग, और ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के मन में उठता है। तो ले आया रेडियो मिर्ची 91.1 FM, मेरा नाम है सूर्य और मैं आपको बताऊंगा इस सवाल का जवाब। एक रानी वही होती है जिसकी खूबसूरती के आगे सब फीके दिखाई पड़ते हैं। मसूरी में वादियों का नजारा जो आपको यहां से देखने को मिलता है वो शायद ही कहीं और से आपको देखने को मिलेगा। पहाड़ों का राजा हिमालय है तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी है। देवदार के पेड़ों से भरी घाटियां, पहाड़ों के आंचल से बहते साफ पानी के झरने, बादलों को चूमती हरे भरे पहाड़ों की ये हसीन वादियाँ, और इन वादियों से आती हुई खुशबू और लहराती हुई ठंडी ठंडी हवाओं के साथ घूमने का मजा ही कुछ और है। लोग ऐसे ही मसूरी को पहाड़ों की रानी नहीं कहते, कुछ तो बात जरूर है इन वादियों में जो आप सिर्फ यहाँ पे आके ही फील कर सकते हैं। प्रकृति का अद्भुत वरदान जैसे इन वादियों को मिला हो जो इसे सबसे अनोखा बना देते हैं। घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह में से एक है मसूरी। अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो जल्दी से अपना बैग पैक कर लीजिए, कुछ गर्म कपड़ों के साथ और सैर सपाटे के थोड़े से खर्चे के साथ आप बस रेडी हैं यहाँ आने के लिए। बरसात के अलावा आप कभी भी मसूरी आ सकते हैं, जून जुलाई में भी यहाँ का मौसम काफी ज्यादा सुहाना होता है। दिसंबर से जनवरी तक ये वादियाँ बर्फ की मोटी चादर ओढ़ देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने धरती को कुछ महीनों के लिए स्वर्ग बना दिया हो। तो जिन लोगों को बर्फबारी देखनी है तो वो सर्दियों में जरूर विजिट करें। गॉड द व्यू डाउन साइड इज सो सो ब्यूटीफुल, मैं भी यहाँ पे देख नहीं सकता, मुझे खुद नीचे देखने में चक्कर आ रहे हैं। मैं भी रुक रहा हूँ और आपको व्यू दिखाता हूँ नीचे का। ओ माय गॉड गाइस, बहुत ज्यादा ऊपर है, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट बस। गॉड लुक एट दिस ब्यूटी, गॉड अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, माय गॉड बहुत ज्यादा दूर है यार, बहुत ज्यादा दूर। पिक्चर्स ब्लर ना हो जाएं, सी लुक एट दिस ऑसम। कुछ प्लेसेस होते हैं जिनको आप रैंक नहीं कर सकते कि ये बेस्ट है या ये बेस्ट है। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मेरे हिसाब से ये प्लेस सुपर्ब है, सुपर्ब, सच बताऊँ। शायद कैमरे की नज़र वहाँ तक नहीं जा रही लेकिन मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है, एक एक कोना इस फोटो का, इसको मैं फ़ोटो ही बोलूँगा, ब्यूटीफुल है यार, अमेजिंग कसम से, मज़ा आ गया मुझे यार। नीचे गाड़ियाँ देखिए कैसे आ रही हैं लाइन से, बेहतरीन। राइड करते करते हो जाती है थोड़ी सी हालत ख़राब लेकिन नज़ारे देख के सब रिकवर हो जाता है कि भाई हाँ मिल गया, मतलब हमें जो जिस ले आए थे हम वो चीज़ मिल गई है। और साथ में अगर एक बढ़िया सी कॉफ़ी मिल जाए, ओए होए सोने पे सुहागा। प्रकृति की गोद में बसे इस झरने का एनवायरनमेंट आपको नेचर से दोस्ती कर लेने का एहसास देता है, साथ ही साथ आपकी सारी स्ट्रेस और टेंशन को खत्म करने की दवाई का भी काम करता है। सीढ़ीनुमा झरने से चार तालाब बनते हैं जहां नेचर के बीच बैठ के आप ब्रेकफास्ट और लंच का भी आनंद ले सकते हैं। मसूरी से जस्ट 8 किलोमीटर पहले पड़ता है भट्टा फॉल, रोड के लेफ्ट साइड ही आपको बड़ा सा बोर्ड दिख जाएगा। यहाँ से रास्ता थोड़ा सा डेंजरस है क्योंकि आपको 1.5 किलोमीटर तक नीचे उतरना है, वो भी 45 डिग्री ढलान वाले रास्ते पे ड्राइव करके। मसूरी ऊपर बस 9 किलोमीटर है लेकिन हम उससे पहले, आप ढलान देखो यार, और ये इतनी भारी गाड़ी है मैं इसको कैसे हैंडल करके लेके जा रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको, चल रही है क्योंकि मेरे पास वजन काफ़ी ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको चलाना पड़ेगा इधर। और यहाँ पे एकदम फ्री मत छोड़ देना क्योंकि ढलान जैसे ही ख़त्म हो रही है वहाँ से कुछ नहीं है, सीधा खाई है नीचे, और खाई इतनी भयंकर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इजी 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 इजी, आराम से, यस
तो अगर आपका मन झरने में नहाने का करे तो अपने आप को रोकना मत, क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग रूम भी अवेलेबल है और कपड़े भी आपको रेंट पे यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसका किराया आपको 40 से 50 रुपए ही देना होगा। बहुत ही बेहतरीन ये भट्टा फॉल है, मसूरी का पहला फॉल है, सामने मसूरी लिखा हुआ है। ऑसम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलो, ये रास्ता भी बड़ा ऐसा है खतरनाक सा, मैं आपको नीचे ले जाता हूँ। ये है पहला भट्टा फॉल, 30 रुपए की मेरी यहाँ पे पार्किंग लगी है और रास्ता भी एकदम नेचुरल तरीके से है, लेकिन यहाँ से मेरे को गाड़ी चढ़ाने का है, कैसे चढ़ाऊँगा चलो वो मैं देखता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ भट्टा फॉल। भट्टा फॉल हम पहुँच चुके हैं, आप देखो यहाँ पे, मैं बता नहीं रहा मेरी, आई थिंक मेरी आवाज़ ठीक से आ रही होगी नहीं आ रही होगी, लेकिन यहाँ पे साउंड जो है ना वो पानी की, वो बिल्कुल औसम है, बेमिसाल है। वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जो पानी आ रहा है बहुत मोटा पानी आ रहा है और यहाँ तक जा रहा है ये, और एकदम वाइट। अगर मैं आपको क्लोज लुक दिखाऊँ, क्लोज लुक तो पानी कितना सारा बह रहा है इधर उधर से आ रहा है। अब हम जा रहे हैं उस तरफ, मैं इस पुल में आया हूँ, ये बड़ा क्यूट सा पुल है। अब हम फॉल की तरफ जा रहे हैं सामने, और माय गॉड, मैंने जो दिखाया था उससे ऊपर भी है, तो ये काफ़ी छोटा नहीं, ये काफ़ी बड़ा झरना है और ये ऊपर तक है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मेरे अंदर, अब चलते हैं, चलो ऊपर तक मैं आपको दिखाता हूँ ये झरना है कितना बड़ा। एक्चुअली भट्टा फॉल मुझे लगा था छोटा है, मैंने सोचा यहीं तक है, लेकिन ये ऊपर तक है। ओ माय गॉड, भाई साहब मज़ा ही आ गया, बहुत ही भयंकर। यहाँ पे पानी की बूंदें मेरे मुंह पे आ रही है, मैं क्या आपको बताऊं यार, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। और नीचे इन्होंने रेस्टोरेंट बना रखे हैं ताकि वहाँ पे आप अपना आराम से पानी में पैर डाल के बैठ सकते हैं। इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया है, बहुत औसम है। भट्टा फॉल को देख के मज़ा आ गया, सच में मज़ा आ गया भाई, एकदम वाइट, दूध जैसा झरना है, बिल्कुल मज़ा आ गया कसम से। चलो अब ऊपर चलते हैं, इसका मैं आपको क्लोज लुक दिखाता हूँ फटाफट से। यार उसका जो टॉप दिखाया था ना वो वहाँ पे था, इसके ऊपर भी अभी टॉप ख़त्म नहीं हुआ है, वहाँ पे भी रेस्टोरेंट है। और ये देखिए पानी अभी भी वहाँ से जा रहा है, उधर से आ रहा है, और ये सीढ़ियाँ दी हुई हैं और ऊपर है इसका मतलब। चलिए और ऊपर चढ़ते हैं, टॉप पे आ चुका हूँ, मैं आपको रिवर्स करके दिखाता हूँ ये कहाँ से स्टार्ट है। पीछे से तो बहुत ऊपर है, लेकिन जहाँ तक हम इंसान पहुँच सकते हैं वहाँ तक का दिखाता हूँ। ये इसका एंड है, यहाँ पे बाकी जंगल का रास्ता है। यह आपको लग रहा होगा बहुत थोड़ा सा पानी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा पानी है, और नीचे जाके ये पूरा झरना बन रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा झरना बन रहा है भट्टा फॉल का। अभी हम बस यहाँ पे दिखाते हैं आपको रेस्टोरेंट भी कैसा है इधर का, और ये इसका एंड टॉप है इस साइड, सॉरी, यहाँ पे वॉशरूम भी है, बहुत ही नीट एंड क्लीन। और इन्वायरमेंट देखो, बस ये धुंध पड़ गई है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है रात में, मतलब डे टाइम में भी यहाँ पे 18 है और नाइट में यहाँ पे 16-15 के आसपास टेम्परेचर हो जाता है। तो अभी धुंध पड़ना स्टार्ट हो गई है, और टाइम जो हो गया है वो हो गया है 5:30 के आसपास, 5:13, तो मेरे को भी फटाफट जाना है और यहाँ से निकलना है, डे टाइम है। काफ़ी मज़ा आ रहा है, भट्टा फॉल देख के मज़ा ही आ गया, अलग ही वाला, ऑसम। ठीक है, तो मैं आपको रेस्टोरेंट दिखाता हूँ, यहाँ की सिटिंग कैसी है, आप आओगे मज़ा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ, अल्टीमेट मज़ा आ जाएगा आपको। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू कि कितना मज़ा आ रहा है मुझे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मेरे सामने से वो फॉल बह रहा है, भट्टा फॉल, ऊपर से बड़ा वाला, और ये सिटिंग है जहाँ पे मैं बैठा हूँ। इवनिंग का थोड़ा टाइम है तो ज़्यादा लोग है नहीं यहाँ पे, आप यहाँ पे आ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। पीछे देखिए ये नीचे तक जा रहा है, लेकिन मैंने थोड़ी मिड रेंज में ली है सीट, तो ये नीचे तक फॉल जा रहा है बहता हुआ। और मेरी जो सिटिंग है ना, देखो इस टाइप की है, सामने जो है पानी के अंदर पैर डाल के बैठ जाओ, ठंडा हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा तगड़ा ठंड लग रही है लेकिन मज़ा आने वाला है भाई, बहुत तगड़ा। आपको भाई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब ऐसा है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है सच में। तो आप भी अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो भाई ये है भट्टा फॉल, भट्टा झरना हिंदी में बोलो, भट्टा फॉल, भट्टा झरना, यहाँ पे आना, ऑसम लगेगा, मज़ा लगेगा, बिंदास है, आप आइए यहाँ पे, फुल मज़ा आ जाएगा आपको, एंजॉयमेंट है। ये क्या प्लेस है, रिलैक्स कर दिया यार, माइंड भी रिलैक्स कर दिया, पैर पानी में थे लेकिन असर मेरे माइंड में हो गया, मज़ा आ गया मुझे। ये सीटिंग जो है ना भाई,
मजा आ गया, फर्स्ट क्लास। पैरों में ठंड जरूर लगी लेकिन माइंड जो है ना यहाँ तक ठंडक पहुँची है। मेरा पूरा माइंड अभी जो था बिल्कुल रिलैक्स है, काम है अभी एकदम, जैसे बुद्धा फील करते हैं ना। भट्टा फॉल की तरफ जरूर आना आप, ठीक है? तो अब हम भट्टा फॉल से लेते हैं अलविदा। नज़ारे, ये इन्होंने अपना पूल बना रखा है, बोटिंग पूल, और वो भी देखो बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल है, ठीक है, एडवेंचर जोन है पूरा। यहाँ पे मैंने टाइम स्पेंड नहीं किया है, अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं टाइम स्पेंड, यहाँ पे उड़न खटोला भी है, रोपिंग, और बच्चों के लिए, कपल्स के लिए बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है। उस तरफ है वाटरफॉल, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपनी हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। 5:30 हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं बस। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। बाय बाय भट्टा फॉल, बाय बाय। ओए लंगूर, पहली फुर्सत में निकल। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया होगा, तो सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें, ताकि मैं और भी ऐसे ट्रैवल के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। आप अपने सजेशंस और वीडियो में सबसे अच्छा आपको क्या लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिल से थैंक्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मैं आपसे जल्दी मिलता हूं मसूरी के एक और एपिसोड के साथ। जय हिंद।